Hi, on filming again. So, what do you want to say about your filming, ma'am, being called for this event and how privileged you feel? नहीं मेरा प्रिविलेज है, इन्होंने मुझे बुलाया. बरोबर, वो वही उर्फी बोलेगी ना इसके बारे में प्रॉपर. आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी इन्होंने मेरे बारे में सोचा, मुझे बुलाया और मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन से कि इंडियन पहन के आना है. तो व्हाट रियली इन्फ्लुएंस्ड यू, मतलब क्या इनका जो फैशन स्टाइल एक्सपेरिमेंट करती हैं आप, कितना फॉलो करते हैं इनको? अरे वो स्टाइल को तो सभी लोग फॉलो करते हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, उसका कोई मतलब जवाब ही नहीं है. लेकिन आज मैंने खास करके बुलाया क्योंकि ये भी तो सेंसेशनल न्यूज़ होगी कि उर्फी इंडियन ड्रेस में आ गई करके, बड़ी बात है. और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है ना कि उर्फी ने अपने लाइफ में बहुत चेंजेस किए हुए हैं, वो दिखता है. थोड़ा सा उसके बारे में अगर पढ़ा जाए या फिर समझा जाए ना, तो बहुत नीचे से ऊपर आई हुई लड़की है और ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है. टॉकिंग अबाउट योर प्रोजेक्ट और योर प्रोडक्शन हाउस, व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट यू आर मेकिंग राइट नाउ, फ्यूचर में क्या है? एक्चुअली लगभग 30 गानों का बैंक हमारे पास तैयार है, ये तो शुरुआत है और आने वाले दिनों में आएंगे मैं. और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि एक फिल्म आ रही है चिक चिक करके, उसमें पहली बार ये आज के ज़माने में गज़ल, एक दो गज़ल होती है फिल्म में, मैंने 10 गज़ल फिल्म में रखी हुई है और अच्छे सिंगर्स हैं, जो वेल नोन सिंगर्स हैं उन्होंने गाया है. बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है आने वाले दिनों. थैंक्स अ लॉट. थैंक्स मैम. थैंक्स.